हम चाहते हैं करके कि इस बार आप लोग क्या चाहते हैं, अपने वार्ड में परिवर्तन चाहते हैं। कांग्रेस ने छात्र राजनेता को पार्षद की टिकट देकर चुनावी मैदान पर उतार दिया है। विजय रजक हैं, छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, कई पदों पर आसीन रह चुके हैं और अब सुभाष चंद्र बनर्जी वार्ड से ये मैदान पर हैं और चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी को। क्या एजेंडा लेकर आप चुनावी मैदान पर उतरे हैं विजय भाई? मैं यहाँ पर जब जनता के बीच में जा रहा हूँ तो उनकी जो समस्याएँ आ रही हैं, यहाँ पर जल प्लावन की समस्या है, नर्मदा जल की सप्लाई यहाँ पे वार्ड में नहीं है, नर्मदा जी के किनारे होने के बावजूद यहाँ का व्यक्ति नर्मदा जल नहीं ले पा रहा है, बोरिंग का पानी पीने मजबूर है, थोड़ी सी हवा में यहाँ पे पेड़ गिर जाते हैं, लाइट घंटों गोल रहती है, ये समस्याएं हैं। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो लोगों के बीच में जब हम जा रहे हैं तो हमें पता चलती है। और इसके अलावा भी जो समस्या स्ट्रीट लाइट है, जो उसकी बात करें तो अपार्टमेंटों के आसपास बिजली के खम्भों में लाइटें नहीं हैं और पता चल रहा है कि साल दो दो साल से नहीं है यहाँ पे। बेहद हाई प्रोफाइल ये वार्ड कहलाता है क्योंकि यहाँ वीआईपी लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जनसंपर्क का तरीका भी आपने जुदा यहाँ रख दिया, ना ढोल धमाका कुछ भी। टोटल जो मैं मानता हूँ कि जो ये पार्षद चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट व्यक्ति से जुड़े हुए कनेक्टिंग वाले होते हैं और ढोल धमाका ये एक पार्ट है राजनीति का, वोट मांगने का, प्रचार मांगने का, लेकिन काफ़ी साइलेंट जोन है और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ पे इसको तोड़ा जाए। अच्छा, एक डिफरेंट नहीं हो रहा? आप जब छात्र राजनीति करते थे तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी में जाना, हंगामा करना और छात्रों के लिए जंग लड़ना, और यहाँ पर एक अलग एक सिनेरियो दिख रहा है। मैं उस समय एनएसयूआई जिला अध्यक्ष के पद में था और अभी भी हूँ, तो मेरा एक दायित्व था कि छात्रों के लिए लड़ना, और लड़ाई हर प्रकार से की जाती है, वैचारिक और शब्दों से और आंदोलन प्रदर्शन से, और जनता के बीच में आया हूँ कि वो मुझे पार्षद चुने। यदि जनता मुझे पार्षद चुनती है तो वही रूप में यहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए लड़ने के लिए निगम में और सरकार से, बीजेपी की जो सरकार अभी मध्य प्रदेश में, उससे लड़ने के लिए भी मेरा वही रूप रहेगा, आंदोलन प्रदर्शन धरने, लेकिन जनता को जो यहाँ पे चाहिए वो दिलाने के लिए भरसक प्रयास करें। अभी लोगों से आप मिल रहे हैं, उनकी क्या प्राथमिकताएँ वो बता रहे हैं, आप उनसे चर्चा करते हैं? अभी जितने जगह हम लोग जाते हैं, लगभग बड़ा दुर्भाग्य है ये सिविल लाइन वार्ड का कि सिविल लाइन वार्ड में जबलपुर के 15 साल के जो सांसद हैं राकेश सिंह जी, यहाँ के निवासी हैं, अगर हम देखें कि रोहाणी जी की जो फैमिली है यहाँ पे लगभग 30 साल से उनके घर में विधायक है, वो यहाँ के वोटर हैं, और बड़े बड़े लोग यहाँ पे जो महापौर प्रत्याशी हैं जामदार जी, वो यहाँ के हैं, और काफ़ी बड़े लोग जो अपने आप को नेता मानते हैं, जो सरकार के अपना हिस्सा मानते हैं, वो यहाँ के निवासी हैं, उसके बावजूद भी इस सिविल लाइन क्षेत्र में इतनी सारी समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं बिजली पानी सड़क, ये छोटी समस्याएं जो जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, वो समस्याएं यहाँ पे लोगों को देखने मिल रही हैं, तो उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और उसकी ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो विजय जी ने बता दिया कि इतना हाई प्रोफाइल वार्ड होने के बाद भी यहाँ राजनेताओं का बहुत बड़ा यहाँ पर एक सक्रिय रूप रहा है, उसके बावजूद भी अगर विकास नहीं हुआ इस वार्ड में तो उसके लिए मैं सतत संपर्क करूँगा, छात्र राजनीति में जो मेरे तेवर थे वही वार्ड में भी नजर आएंगे विकास के लिए। कैमरा पर्सन संजीव साथ विवेक तिवारी, पंजाब के सी टीवी जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।